और आर करेक्ट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तीन स्टेटमेंट दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पर प्रीएम्बल दिया गया था। तो प्रीएम्बल की शुरुआत किसने करी थी? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। हो सकता है द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो यहां पे हमारा प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस पे बेस्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। हो सकता है देन इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको किसने अमेंड किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने। और मैंने आपको बताया भी था कि 42nd अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके थ्रू काफी सारी अमेंडमेंट करी गई थी, पर हो सकता है इसके थ्रू प्रीएम्बल भी चेंज किया गया और यह भी हो सकता है कि ना किया गया। यहां पर वीडियो को पॉज करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपको प्रीएम्बल का मतलब पता होगा। प्रीएम्बल का अगर मतलब नहीं पता है तो एक क्रूड वे में इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जैसे आप बुक खरीदते हैं उसके स्टार्टिंग में प्रेफेस दिया होता है, तो इट इज द प्रेफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अंदर सारी समरी दी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एसेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो दिए गए हैं। पहली बात आती है क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसका प्रीएम्बल था? नाउ दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि प्रीएम्बल से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने देखा हो तो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। सेकंड, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो लार्जली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बेस्ड है, लेकिन यूपीएससी आपको इससे कंफ्यूज कर सकता है कि प्रीएम्बल भी हमारा इस पे बेस्ड है, बट आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको याद होगा हमने पढ़ा था, जो कि नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे हमारा बेस्ड है क्या प्रीएम्बल? हमारा प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। पहली दो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई, तो यहां पे ऑफ कोर्स जो एलिमिनेशन के मेथड से आंसर अपने आप बी हो जाएगा। देख लेते हैं तीसरी स्टेटमेंट को भी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी क्या वो 42nd अमेंडमेंट ने करी थी? मतलब हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो अमेंडमेंट थी वो 42nd अमेंडमेंट ने करी थी। यस, मैंने आपको याद हो पिछली बार भी बताया था कि तीन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd अमेंडमेंट ने किया था, और आपने इसको कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर किया था। लेकिन एक दो क्वेश्चन, एक दो कमेंट मैंने ऐसे देखे थे जिसमें आंसर गलत किया हुआ था, इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन फॉर्म किया ताकि क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी ऐसी तीन टर्म्स थी जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी हमारे प्रीएम्बल के अंदर। तो यहां पे एक बार आंसर देख लेते हैं। पहली दो स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि गलत है, और तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, आंसर अपने आप यहां पे बी हो जाएगा। अब वो तीन टर्म्स के बारे में हम